अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट पर। अबे ये इको को क्या हो गया? एडिटर वाले भाई, ओए एडिटिंग वाले भाई, ये क्या कर दिया इको को? थोड़ा कम कर, आवाज ही नहीं आ रही। मेरे व्यूअर्स बाद में कमेंट में गालियां बकेंगे ना। अब सही है। हां बादा होती दिया बचया तो मैं कह रहा था कि वेलकम हो गया आप सबका अनदर वीडियो के अंदर। यार काफी दिनों के बाद आया हूँ, काफी मसरूफियां चढ़ रही थी। इलोन मस्क की परसों चौथ कॉल आ गई, उसने मुझे बुला लिया कि बिजनेस नहीं चल रहा, आके डीलिंग करो। तो फिर तीन चार उसके साथ मीटिंग रख ली। कल आ रहा था तो मेरा प्लेन खराब हो गया भाई, उसने अपने प्राइवेट जेट में मुझे भेजा है। तो आज आपका भाई आपके लिए एक फंटास्टिक वीडियो लेके आ गया। तो आपसे दरखास्त है कि अपने पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न पापड़ छापड़ अपने साथ रख लो, ताकि आपको वीडियो देखने की फुली चस आवे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ जो कि आपने हमारी पिछली वीडियो का रिस्पांस दिया। आपके काफी सारे कमेंट आए थे जिसमें आपने रिकमेंड हमें वीडियो की थी टिंडे। तो ये वही वीडियो है टिंडे, लेकिन ये मेरे स्टाइल में है, तो ये स्टोरी टाइप वीडियो है। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सन 2000 के गुजरते एक गाँव में एक ऐसी वबा का फैलाव हुआ जिसके गुजरते लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। बहुत से विलेजर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे, लोगों को बचने की कोई भी उम्मीद नजर न आ रही थी। देखते ही देखते हजारों सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस बीमारी को चलते तकरीबन 6 माह हो चुके, लेकिन डॉक्टरों को इस बीमारी का हल न मिल सका। इसी वजह से बहुत से लोगों ने अपने घरों का साजो सामान उठाकर शहर की तरफ नकल मकानी करनी शुरू कर दी। लेकिन लोगों को इस बात की खबर कहाँ थी कि इस वायरस ने अपना रुख शहरों की तरफ मोड़ लिया है। चंद लोगों की गलती की वजह से अब शहर वाले भी महफूज न थे। इस वायरस ने अब शहर के लोगों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते ये बीमारी शहर के लोगों में भी हो चुकी थी। अब शहर के हर एक कोने, मोहल्ले, गली, मार्केटों में लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। लेकिन लोग बेचारे क्या करते, आखिरकार लोगों ने अपने घरों से निकलना ही बंद कर दिया। मगर ऐसा कब तक हो सकता था? कभी ना कभी तो उनको अपने घरों से बाहर आना ही पड़ना था। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग ने इस बात की पेशन गोई की कि इस बीमारी को सिर्फ एक ही आदमी खत्म कर सकता है, उसका नाम है इमरान खान। अब किसकी कॉल आ गई? अबे वीडियो भी नहीं बनाने देते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? मैं स्पेशल फोर्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आप अहमद रजा हो जिसका चैनल कॉमेडी वीडियो स्टेशन है? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं अहमद रजा ही बात कर रहा हूँ जी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फैसलाबाद के रहने वाले, चक नंबर 16 के रहने वाले हो, तुम्हारे अब्बू का नाम आजाद है। जी जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो बच्चे अब मेरी बात गौर से सुन, अगर तूने हमारी बात ना मानी तो हम तुझे घर से उठा लेंगे। जी बोले। तू जिस स्टोरी पर काम कर रहे ना, जिसमें तूने हीरो इमरान खान को बनाया, इमरान खान की जगह वहाँ पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को हीरो बना। सॉरी सर, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं इमरान खान साहब को पहले ही हीरो बना चुका हूँ वीडियो के लिए। बुलड़ी अब तू हमको बताएगा क्या पॉसिबल है और क्या नहीं? तेरी बात माने क्या? तेरे को तेरे घर से उठा सकते हो? भैंसों बकवास मत कर और जो हम कह रहे हैं वो काम कर। सॉरी सर, मैं अपनी डिसीजन का पक्का हूँ, मैंने अभी अपने हीरो को नहीं चेंज कर सकता। यू ब्लडी बास्टर्ड, अब तू हमें बताएगा कि तेरी डिसीजंस क्या है? अगर मैंने अपनी डिसीजंस ले ली ना तो मैं 2 मिनट के अंदर तेरे कारोबार के आन के तेन मार के जाऊंगा, मैं तेरा चैनल भी डिलीट करा देने। लेकिन सर आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं बच्चे मैं सब कुछ ही कर सकता, मैं 2 मिनट के बीच तेरे कार आ लिया, मैं आन के तेरा मैं चैनल भी डिलीट करता, मैं आन के तेन मैं थाने भी बंद करता। भैंसों मेरी गल मान ला, बंदे का पुत्र बन के, नहीं तो मैं तेरे को मनवा भी लैनी है। तो जिदा मैं तेन कह लिया ना, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब न दोनों हीरो बना दे, क्योंकि तेरी वीडियो वह गंजे वाली जो दोनों भी गंजे ने, परफेक्ट बनेगी वीडियो। मैं कई जान रहा हूँ सर जी तुम्हें मेरी गल समझ नहीं आ रही मैं कह रहा है कि मैं उन्होंने दोनों गंजे पाना फिर तुम गंजे गंजे लाइया गंजा तो ताड़ी बेबे तो यार जो नहीं सिंस भी है मैं उन्होंने पा सकता हूँ हूँ मैं इतना करना कि ना मैं इमरान खान साहब न पाना तो ना मैं उन्होंने दोनों गंजे पाना मैं आप ही गंजा होके आप ही वीडियो के हीरो बन जाना तुम भी खुश तो मेरी ऑडियंस भी खुश तो मेहरबानी करके मेरे घरे ना आयो मैं तेन पहले ही दस दिता है। हम बात कर रहे थे कि एक हीरो आएगा जो कि लोगों को उस वायरस से बचाएगा, उसका नाम होगा। अबे कौन है, दरवाजे को क्यों पीट रहे हो? खोलने लगा हूँ, सब्र करो। हुन बोल मात्र चोद, हुन दास बनाएगा कि नहीं उन्होंने हीरो? सर जी नहीं, मैं नहीं उन्होंने बना सकता, मैं किसी ने नहीं बनाऊंगा, मैं आपे हीरो बन जाऊंगा। फिर इन सब के बाद मैंने और मेरे कजिन्स ने डिसाइड किया कि हम किसी को भी नहीं हीरो बनाएंगे, हम खुद ही टिंड करवा कर सुपर हीरोज बन जाएंगे। इसी वजह से हमने अपनी टिंडे करवानी पड़ी। तो आज की कहानी का यही मकसद था।
गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलिए। और नीचे कमेंट कीजिए, क्या कमेंट करोगे, कुछ भी कर दो, कोई भी अच्छा सा कमेंट कर दो, ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन बने और हम ऐसी जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी वीडियो बने। शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि ये मज़े खुद ही ना लिया करो, लोगों को भी मज़े लेने दिया करो हमारे चैनल के। ओके बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।